सहकारी समिति का गठन कर संचालक द्वारा आम लोगों को रकम दुगुना तिगुना कभी कभार तो चौगुना तक कर देने का तरह तरह के प्रलोभन देकर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी का मामला आए दिन सामने आते हैं। कभी कभार तो कुछ ऐसी समितियों पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। बिहार में शारदा चिटफंड घोटाला इसके उदाहरण भी है। बावजूद सरकार की लाख शक्ति के प्रशासन के नाक के सामने ऐसे ढेरों समितियों द्वारा अपनी शाखाएं खोलकर लोगों को ठगने का काम बदस्तूर जारी है। इसी तरह का एक मामला झंझारपुर में सामने आया है। वह भी सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचकर रुपये दुगुना करने का झांसा देकर निवेशकों को चूना लगाने के बाद संचालकों के फरार हो जाने पर जब निवेशक अपनी रकम लौटाने के लिए एजेंटों पर दबाव बनाने लगे तो बचने का कोई सहारा नहीं दे एजेंट सीधे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंच गए। इस पर सीएम ने जिले के डीएम सहित सहकारिता विभाग के अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इधर सीएम के इस आदेश से फरार संचालक सहित सहकारी समिति से जुड़े अन्य लोगों के होश उड़ गए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को ठगने का काम किया गया। कई ऐसे लोगों के नाम भी फर्जीवाड़े में सामने आए हैं, जिनके द्वारा गांव घर के गरीब मजदूर तबके के लोगों को उसके खून पसीने की कमाई एक ही झटके में डूब गए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम महुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा तीन अलग अलग नामों से सहकारी समिति बनाकर केवल झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र में आम लोगों से करोड़ों रुपए ठगी के मामले का खुलासा करेंगे, जिसमें तकरीबन 75 लाख रुपए तो केवल एक ही पंचायत के 1200 परिवारों का इसमें जमा है। पंचायत को इस कंपनी में सीधे निवेश के लिए झांसा देने वाले लोगों का भी आज हम पोल खोलेंगे, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप आगे भविष्य में ऐसे किसी भी तरह के झांसे में नहीं आए। कारण जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही लोग आपको सबसे अधिक धोखा दे सकता है। कभी कभी तेज तरार और काबिल लोग भी पैसों के लालच में इन फर्जी सहकारी समितियों से मिलकर आपको लुटवाने से भी गुरेज नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर यह मामला है क्या। मुजफ्फरपुर में महुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर तीन अलग अलग सहकारी समितियां बनाकर संचालक द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला पिछले साल ही सामने आया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपित संचालक जवाहर शाह ने बिहार के 32 जिलों में समिति की शाखाएं खोलकर रुपये दुगुना करने का झांसा देकर निवेशकों को चूना लगाने का काम किया। झंझारपुर अनुमंडल में तीन अलग अलग जगहों पर इसकी शाखाएं खुली थी। इन तीनों शाखाओं में तकरीबन 1 करोड़ से अधिक रुपए आम लोगों के जमा करवाए गए। आम लोगों से रुपए जमा करवाने वालों में स्थानीय गणमान्य लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा। अब जबकि महुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक संस्था लोगों का करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गया तो आम लोगों को पैसा वापस लौटाने की बारी आई। इन्हीं लोगों के ऊपर तो ये सीधे अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है लखनऊ प्रखंड का देव पश्चिमी पंचायत। जानकारी के अनुसार केवल इस पंचायत के 1200 परिवारों का तकरीबन 75 लाख रुपए इस फर्जी सहकारी समिति के पास जमा है, जो डूब गया या डूबने के कगार पर है। महुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थानीय कर्ता इसी पंचायत के मुखिया परिवार से होने के कारण जाहिर सी बात है कि पंचायत के लोगों ने मुखिया परिवार के ऊपर भरोसा जताकर ही इसमें निवेश किया होगा। ऐसे में पंचायत के लोगों का क्या कहना है आइए जानते हैं। वर्तमान में अभी आप लोगों को पता चला होगा कि महुआ कंपनी, महुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी जो है फर्जीवाड़ा घोषित करार दिया गया है। कुछ दिन पहले की बात है, एक दो दिन पहले की बात है कि लोगों ने मुझे जानकारी दिया था कि इस तरह की जो घटना घटी है कि महुआ कंपनी अगर चीट फंड करार दिया गया है तो मेरा पैसा क्या होगा। तो लोगों से मैंने जानकारी ली कि इसमें कौन कौन थे और किन लोगों ने आप लोग आपसे पैसा लिया था। तो डीपली जानकारी लेने के बाद मुझे पता चला कि हमारे गांव के सर्वोच्च नागरिक
जो कि मुखिया होते हैं, उनकी मिलीभगत थी उस कंपनी के साथ में, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मैंने जानकारी लिया है कि वो कैसे उस घटना को अंजाम दे सकते हैं। वो एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं, पंचायत के नागरिक के नाते एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं, जिनको हम आदरणीय सम्माननीय और इलेक्ट करके उनको हम अपने पंचायत के विकास के लिए चुनते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने पंचायत के लोगों के लिए 1200 परिवार जो गरीब थे, जिन्होंने पाई पाई जुटा करके जो है उस महुआ कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उनको अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनको भ्रमित करके कि मुझ पर भरोसा कीजिए, आप पैसा इसमें डालिए, कंपनी भाग जाएगी, लेकिन मैं आपको एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपको वो पैसा सूद समेत लौटाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि मुखिया पति महोदय को पता था 3 साल पहले ही पूर्व में कि यह कंपनी एक चीट फंड कंपनी है, फर्जीवाड़ा कंपनी है। उसके बावजूद भी उनका मौन रहना कहीं ना कहीं उस 1200 परिवार के लिए, जिन्होंने पाई पाई जुटा करके उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उनके खिलाफ यह षड्यंत्र रच कर उनके मान सम्मान और गरीबी का सिर्फ एक अवहेलना किया है। उस गरीब परिवार के लिए मैं सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाऊंगा, ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि द्वारा ही इतने बड़े फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया है? ये तो मैं प्रमाणित के साथ कह सकता हूँ कि मुखिया पति महोदय ही जो है कुछ ब्रांच का मैनेजर थे और उनके छोटे भाई भी रीजनल ब्रांच मैनेजर थे, और उन्हीं के सानिध्य में हमारे गांव में भी एक मिनी ब्रांच खोला गया था, जहां से इन लोगों के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, झांसा दिया जा रहा था कि आप इसमें पैसा डालिए, हम उसका जिम्मेदार होंगे, अगर कंपनी भाग भी जाती है तो मैं आपको वचन देता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं उसका सूद समेत जो है वो पैसा लौटाऊंगा। मामले को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लेकर जाने वाले दिल्ली पश्चिमी पंचायत के एजेंट राहुल कुमार से हमने बात की। सीएम के जनता दरबार में जाने का कारण और सीएम द्वारा दिए गए निर्देश के बाबत उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। कल आप सीएम के जनता दरबार में गए थे, क्या मामला है और वहाँ आपको क्या आश्वासन मिला है? मैं एक सहकारी समिति में एजेंट का काम कर रहा था। इससे पहले यह समिति में लोगों को सदस्य बना करके FD डेली और मंथली के माध्यम से पैसा जमा निवेशित होता था। इस ये कंपनी में पैसा जो जमा होता था पहले टाइम पूरने पर पेमेंट हो जाता था, लेकिन साल 2019 से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में पेमेंट नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीण और पब्लिक जो सदस्यगण है सो आक्रोशित है, और इसमें जो है सो सही समय पे पैसा न मिलने के कारण पब्लिक हमको बार बार धमकी दे रहा है, जो पैसा हम आपको दिए हैं पैसा हम आपसे लेंगे, जबकि पब्लिक का पैसा उस कंपनी में जमा है, जिसका साक्ष्य और प्रमाण पब्लिक के पास खुद बॉन्ड और रसीद है। मैं पैसा घर में नहीं रखा हूँ, मैं कंपनी में पैसा जमा दिया हूँ। वरीय पदाधिकारी गण से बात करने पे वरीय पदाधिकारी गण बोल रहे हैं जो कंपनी का परमिशन मिला है जो 2022 तक सारे पब्लिक का पेमेंट करेगा, लेकिन पब्लिक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी मैटर पे हम जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गए थे और ये मैटर लेकर के गए जो मेरे जान माल पे खतरा है, और कंपनी पे जांच बैठाया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए, जो पब्लिक का पैसा गया तो गया कहाँ, और सभी गरीब पब्लिकों जो घर पेट काट करके अपना पैसा जमा किया है, सभी पब्लिकों का पैसा उचित समय पर दिया जाए, भुगतान किया जाए, और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सो कंपनी पर किया जाए। CM ने क्या आश्वासन दिया आपको? CM ने बोला ठीक है, इस कंपनी का हम जांच कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई और कदम उठाने के लिए सभी पदाधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। बतौर एजेंट राहुल कुमार ने बताया कि जैसे भी हो आम लोगों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। दीप गांव के युवा समाज सेवी लक्ष्मीकांत मंडल ने बताया कि अपने पंचायत के सभी 1200 पीड़ित परिवारों को उनका डूबा हुआ मेहनत की कमाई वापस करवाने के लिए सभी तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है, चाहे लड़ाई कानूनन हो या आंदोलन करना पड़े। उस गरीब परिवार के लिए
मैं सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाऊंगा, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। मुझे भी पता है कि मैं जिस समय गरीबी से उठकर यहां पे आया हूं तो गरीबी फर्जीवाड़े का आरोप मुखिया पति शशिकांत चौधरी और उसके भाई महाकांत चौधरी के ऊपर लगा है। मुखिया पति शशिकांत चौधरी जहां झंझारपुर में महुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी शाखा के शाखा प्रबंधक थे, तो वहीं उनका भाई महाकांत चौधरी झंझारपुर के एक शाखा में बतौर कैशियर कार्यरत थे। इनके द्वारा ही दीप पंचायत में मिनी शाखा खोलकर लोगों से निवेश करवाने के लिए एजेंटों की बहाली की गई थी। बहरहाल सीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है। आगे देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन लूटे गए सैकड़ों गरीबों को उनके मेहनत की कमाई वापस दिला पाते हैं या नहीं, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अभी तक केवल एक पंचायत का मामला सामने आया है। झंझारपुर अनुमंडल परिक्षेत्र के अन्य पंचायतों में कितने लोगों से कितनी राशि इसमें जमा कराए गए और जिसे लेकर कंपनी चंपत हो गया, हम उसके बारे में ही आपको बताते रहेंगे। आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। जो इस काम को अंजाम दिए हैं उसका जो है आपको जनता अच्छे से जवाब देगी, जनता का बद्दुआ जरूर लगेगी। जनता आपको अब कभी भी उस दृष्टि से, उच्च नागरिक की दृष्टि से नहीं देखेगी। मैं उस गरीबों के लिए, मेरे मन में बहुत है, मैं तो मुझे रोना आता है कि गरीब का पैसा कैसे वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। कोई सड़क पे मनरेगा में जाके काम करते हैं, कभी बेलदारी काम करते हैं, उन पैसों का जो है महत्व इन्होंने नहीं रखा। उनकी जो है